नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज धोखे से रेप करने का एक मामला प्रकाश में आया है। आज बाहरी जिले से आई एक महिला रेलवे स्टेशन पर उतरी और शहादतगंज जाने के लिए सवारी खोज रही थी कि तभी एक युवक आया और नमस्ते करके पैर छूने के बाद कहा, भाभी चलिए हम पहुंचा देते हैं। महिला झांसे में आ गई और युवक उन्हें बाइक से आरटीओ के पीछे एक मकान में ले गया। वहां पर उसने फोन करके दो अन्य युवकों को भी बुला लिया। उसके बाद तीनों रेप करने लगे। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। शहादतगंज चौकी इंचार्ज ने अपने दल सहित पहुंचकर तीनों युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों का नाम कोमल पुत्र राम नारायण, कालीदास पुत्र मल्हू, चंदन पुत्र केशव राम है। कल रात में लगभग 10:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी। एआरटीओ ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर बगल में जो एक पेट्रोल पंप है, वहाँ कोई महिला जोर जोर से आवाज़ में चिल्ला रही है, रो रही, कोई घटना हुई इनके साथ। इस सूचना पर 101 महिला थाना सीओ सिटी में वहाँ पहुँचे हम लोग। घटना की काफ़ी जानकारी और छानबीन की गई तो महिला अम्बेडकर नगर की रहने वाली इब्राहिमपुर थाने की, और उन्होंने बताया कि एक आदमी रेलवे स्टेशन पर मिला और मैं जा रही थी तो कहा कि भाभी हम आपको पहचानते हैं और चलिए हम आपको मोटरसाइकिल छोड़ दे रहे हैं। तो फिर जब मोटरसाइकिल पर बैठा तो उसने किसी से फ़ोन से बात किया तो एक आदमी और आके बैठ गया। ये लोग ले आए इसको, यहाँ एक मकान था पेट्रोल पंप के बगल में, और इनका कहना था उसकी छत पे ले गए। फिर एक तीसरा भी आ गया, इन्होंने दुष्कर्म किया उनके साथ। इसमें अपराध संख्या 373/17 376D गैंग रेप का मुकदमा लिख करके रात में तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। इसमें चंदन यादव हैं, कमलेश कन्हौजिया हैं और एक और है। मोटरसाइकिल जिससे गए थे वो भी रिकवर कर ली गई है, गिरफ्तारी हो रही है और इसकी विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। वर्षों से विवादित भवन अवंतिका रेस्टोरेंट को प्रशासन आज पुनः नहीं गिरा पाया। हर साल एक बार प्रशासन के कर्मचारी आते हैं, सीमांकन करते हैं और पुनः कानूनी पेज बताकर लौट जाते हैं। शहर का यही एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर विकास प्राधिकरण को खाली हाथ लौटना पड़ता है। कारण इसके पीछे एक राजनीतिक व्यक्तित्व का हाथ है जिनका अब प्रमोशन हो चुका है, वरना सभी भवनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सिविल लाइन स्थित अवंतिका रेस्टोरेंट में आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में सभी विभागों के लोग वहाँ मौजूद थे, जैसे आपके पीएमडी है और पुलिस विभाग और आपके विकास प्राधिकरण। तो इसमें क्या प्रकरण पूरा है बताएंगे? इसमें हमारे न्यायालय से, न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट से हमारे पूर्वाधिकारी द्वारा 135 CRPC के अंतर्गत अवैध अतिक्रमण को गिराने का आदेश हुआ।
उस आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ और दूसरा पक्ष जो है, जो इंक्रोचर जिसको सो कॉल्ड इंक्रोचर है, वो पक्ष माननीय डीए महोदय के यहाँ लाजर महोदय के यहाँ निगरानी दाखिल किया है। निगरानी 26/8/2017 को सुनवाई है, जो है ग्राह्य हो चुकी है, एडमिट हो चुकी है। आज उसमें तारीख थी, दूसरा पक्ष उसमें उपस्थित भी है, आज भी दूसरा पक्ष जो है एडजॉर्नमेंट की अप्लीकेशन लेके आया है। तो ये बात हम माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे, उस आदेश के विरुद्ध निगरानी दाखिल हो गई है और माननीय उच्च न्यायालय का जो कल आदेश पारित होगा उसका अनुपालन कराएंगे। मनरेगा मजदूर कल्याण समिति का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा, परंतु किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। साकेत गोट फार्मिंग में गरीबों का करोड़ों रुपया लगा है, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी गरीब को पैसा मिल नहीं पा रहा है, जबकि मालिक शहर में ही रहकर मौज कर रहा है। आखिर क्यों प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि वह अचल संपत्तियां लगातार बेच रहा है। जब वह फरार हो जाएगा तब शायद जाँच की जाएगी। साकेत गोट फार्मिंग कंपनी के एमडी प्रताप नारायण पांडे ने एक ऑफिस यहाँ पर बनाया बकरी पालन के लिए, तो पैसा लिए और जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा जमा हुआ। 3.5 साल बाद 5,000 का 8,000 रुपये वापस करने के लिए उन्होंने वादा किया था, जो पैसा वो वापस नहीं किया और जिसके खिलाफ आज तक हम लोगों को झांसा देते रहे। करीब जनवरी महीने में एक बार शहादतगंज में उनकी प्लाट है, उस प्लाट पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें 500 लोग इकट्ठा हुए और उस मीटिंग में उन्होंने, मतलब 100 नंबर की पुलिस भी आ गई, पुलिस लेकर के शहादतगंज पुलिस चौकी आई और वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जून महीने तक पैसा सबका क्लियर जमा कर देंगे, वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, जिसके खिलाफ हम लोग, हमारा पैसा चाहिए, हमारा सबका भुगतान चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं। आज 3 दिन हो गया बैठे यहाँ पर, और कोई प्रशासनिक अधिकारी आया या नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या इसकी सूचना आप लोगों ने दिया किसी को? हाँ दिया, बर्थडे कराता हूँ सर। यानी कोई डीएम का प्रतिनिधि कोई यहाँ पर आया नहीं आपसे मिलने? नहीं आया। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग आगे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संख्या और बढ़ेगी, भूख हड़ताल की तरफ जाएगा। क्या नाम का है? जगन्नाथ यादव। साकेत गोट फार्मिंग में आप लोगों ने पैसा जमा किया जी 2000 जी, और अभी तक इसका कुछ कोई नहीं सर, इसका रिस्पांस मिला। और समझ लीजिए, गरीब जनता अपना पैसा हर कोई बैंक में यहाँ कोई डालता कि चलो 3.5 साल में डबल हो जाएगा। इन्होंने गोट फार्मिंग का नाम लिया लेकिन एक भी बकरी नजर नहीं आई, लोगों को चिंतिया बनाया। 3.5 साल में थोड़ा बहुत जो लोग नज़दीक के थे वो पाए, दूर वाले वहीं वहीं रह गए। आज कंडीशन ये है कि लोगों के चप्पल और कपड़े फट गए यहाँ तक आते आते, और काफ़ी ये संख्या लाखों करोड़ों की, लेकिन यहाँ सर सबके पास मैसेज नहीं, मोबाइल नहीं है कि उन तक नंबर बंद हो गया। अब ये समझ लीजिए कि सर ये इसमें से काफ़ी पैसा जो ये सब खा गया और लोग कागज़ फट गए हैं, रिसीविंग फट गई है, वो मान नहीं रहे हैं, जो बांड जमा किए हैं वो नहीं मान रहे हैं, मेरे जो ओरिजिनल आपके पास है वो माना जाएगा, मतलब तरह तरीके से ले भी लिए हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और चूतिया बना रहे हैं लोगों को। अगर अकेले को जाता धमकाते हैं, हम लोगों ने साकेत जी के वहाँ प्लाट पर जो उन्होंने बैनामा कराया था, कह रहे ज़मीन ले लो, तो लोगों ने कहा क्या हम जमीन लेने, पैसा हमने तो पैसा लिया था 3.5 साल के बाद जो आप डबल देने लिए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि संख्या ज़्यादा होगी, भूख हड़ताल होगी। संख्या ये मानवाधिकार जितना भी आगे दिल्ली हाई कोर्ट तक जाएगा, आप लोगों के माध्यम से आपका भी सहयोग चाहिए। क्या नाम है आपको? सुरेंद्र यादव। जिला अधिकारी का कोई प्रतिनिधि हमसे बात नहीं किया और न आज तक कोई कार्यवाही हुई, और हम अभी पूरे प्रदेश के अंदर, कोई प्रदेश हमारे जनपद नहीं है प्रदेश के अंदर जहाँ के लोग पीड़ित न हो, और इनकी मदद करने के लिए हमने इस धरने का कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। और हमारा अगला कार्यक्रम यह है कि कल से हमारे कुछ साथी 5 लोग कार्मिक भूख हड़ताल करेंगे, धरना के साथ साथ चलेगा, और आने वाली 19 तारीख से हमारे पीड़ित लोग, कुछ लोग हमारे संगठन के आमरण भूख हड़ताल पर शुरू करेंगे। उसके बाद भी अगर प्रशासन हमारी समस्याओं को निदान नहीं करता है तो मैं आने वाले दिनों में
जहाँ प्लाट है, जो इनका 42 बीघे का प्लाट है, उस प्लाट पर हम लोग पहुँच कर चुकी, वो कंपनी की ज़मीन है, कंपनी हम लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है, और उस ज़मीन पर हम लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करेंगे। उससे भी अगर बात हमारी नहीं बनती है तो जो बाबा जी हरीश जी पाठक जी हैं और पाणे जी हैं, इनका जो मकान है उस मकान पर हम लोग कब्जा करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन चाहे समस्याओं को हल करे, चाहे हमको जेल भेजे, जो भी प्रशासन करना चाहेगा, उस प्रशासन की चुनौती को और कंपनी के मालिक की चुनौती को हम लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद। नमस्कार।